हेलो स्टूडेंट्स, मायसेल्फ शीतल पटेल फ्रॉम थामड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम इंग्लिश में चैप्टर 21 लेट अस सेव वाटर, पानी बचाए, ये चैप्टर आज हम लर्न करने वाले हैं। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आज आपको चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर हम रिवाइज कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हमने कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड सोर्सेस ऑफ वाटर। तो बच्चों, पहले देख लो आप, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। तो पानी का जो मेन स्रोत है वो रेन है। तो जो रेन वाटर कलेक्ट होता है, तो कहाँ कलेक्ट होता है, तो पॉन्ड, लेक, वाटरफॉल, रिवर, स्ट्रीम एंड देन अदर अंडरग्राउंड सोर्सेस ऑफ वाटर हमने डिस्कस किया था, वेल, हैंडपम्प एंड ट्यूबवेल। तो ये सब पानी के सोर्सेस है। ओके, तो बच्चों पानी के यूज भी हम देख लेते हैं, पानी के यूजेस क्या है। तो हर सुबह हम जागते हैं, इनसे जागते हैं, तो उठते ही हम ब्रशिंग ब्रश करते हैं, बाथिंग करते हैं, और बेसिक नीड तो हमारी ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पीते हैं, फूड कुकिंग फूड एंड देन क्लीनिंग हाउस एंड बहुत सारी जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ है वो पानी से जुड़ी है। तो पानी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने वो वाटर और वाटर लेसन में हमने पॉइम पढ़ा था कि वाटर ओ वाटर, वाटर इज लाइफ, वाटर इज प्रेशियस। ओके, ये पोएम हमने पढ़ी है। तो बच्चों, ये जो पोएम है आप फिर से याद कर लेना कि पानी का इम्पोर्टेंट क्या है। ओके बच्चों, तो चलो मैं आगे वो भी आपको याद दिला देती हूँ, अर्थ। तो मैंने आपको अर्थ का पिक्चर दिखाया था। ओके, तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। तो हमारा जो अर्थ है, इसमें देखो बच्चों, मैंने बताया था कि 3 पार्ट पानी है। ओके, तो उसमें से 97% पानी है बच्चों, वो ओशन का है, वो सोल्टी है, हम यूज नहीं कर सकते। ओनली 3% फ्रेश वाटर है, वही हमारे यूज का है, हम यूज कर सकते हैं बच्चों। तो सोचो कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, अब हम हमारा जो चैप्टर है लेट अस सेव वाटर इन द टेक्स्ट बुक, चलो बच्चों ओपन द पेज नंबर 144 हम लेसन रीड करते हैं। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ राजस्थान। तो ये राजस्थान के गांव की एक बात है बच्चों, को हमने आगे भी एक चैप्टर डिस्कस किया था राजस्थान। तो वहाँ पे बहुत सारी गर्मी पड़ती है। ओके, और वहाँ पे बारिश कम होती है। तो द नेम ऑफ विलेज इज बाजलपुर। तो जो राजस्थान का एक गांव है, वो गांव का नेम है बाजलपुर। तो माधव इज लिविंग इन दिस स्मॉल विलेज। तो माधव नाम का जो लड़का है वो राजस्थान के बाजलपुर नाम का जो गांव, छोटा सा विलेज है, उसमें रहता है। हियर द विलेज इज हार्डली विजिबल। हार्डली विजिबल मीन्स ये जो गांव है बहुत मुश्किल से बसा है, बहुत मुश्किल से ये गांव बना है। क्यों? ओनली सैंड ड्यून्स कैन बी सीन। तो बच्चों, राजस्थान है, वहाँ रेगिस्तान, वहाँ पे रेत ही रेत है। यहाँ पे जो धूप है, जो गर्मी बहुत पड़ती है और बारिश कम होती है, और जो ये रेगिस्तान है तो जहाँ भी देखो रेत ही रेत होती है। जो पानी है वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, इसलिए ये जो गांव है बाजलपुर गांव है, बहुत छोटा सा गांव है और बहुत थोड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। ओनली व्हेन देयर इज नो सैंड स्टॉर्म फ्यू हाउसेस आर विजिबल। तो बच्चों, यहाँ पे सैंड स्टॉर्म रेती की आंधी आती है। ओके, तो रेत उड़ती रहती है, तो जो गांव है वो क्लियरली नहीं दिखता है। जब रेत की जो आंधी है, सैंड स्टॉर्म नहीं आता है, तब जो थोड़े कुछ घर दिख जाते हैं, ऐसा है ये गांव की ये स्थिति है। इन समर देर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस। तो वाटर स्कैरसिटी मीन्स पानी की अछत, पानी की कमी। तो वैसे ही हर गम जब समर सीजन आती है, तो यहाँ जो राजस्थान में ऐसी सिचुएशन होती है कि पानी की बहुत तंगी होती है। दिस ईयर इट इज वर्स। तो वर्स मीन्स इस साल भी बहुत बुरा हाल है कि जो बारिश नहीं हुए, तो वहाँ पे
बहुत सारी जो परेशानियाँ का जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ेगा. देर इज नो रेनफॉल इन दिस एरिया. इस साल भी बारिश नहीं हुई. हिज मदर एंड सिस्टर हैव टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू फेच वाटर एज द नियर बाई पॉन्ड हैज ऑल्सो ड्राइड. फेच वाटर मीन्स पानी लाना, पानी भर के लाना. तो हिज मदर मीन्स माधो की जो मदर है और उसकी जो बहन है वो पैदल भरने जाते हैं उनके जो जो रहते थे उनके पास जो ताल उनके नियरेस्ट जो रहते थे वहाँ पे जो पास का तालाब था वो सूख गया था. इसलिए जो माधव की माता है और उसकी जो बहन है उनको दूर जाना पड़ता था पानी लाने के लिए. ओके, और जो पास वाला तालाब है वो सूख गया है समर सीजन में. इसलिए इच डे दे स्पेंड आवर्स जस्ट टू गेट फोर पॉट्स ऑफ वाटर. तो हर रोज चार घड़े पानी लाने के लिए उनको कई घंटे पैदल चलना पड़ता था. ओके, व्हाइल वॉकिंग ऑन द हॉट सैंड देयर फीट बर्न एंड ब्लिस्टर्स. ब्लिस्टर्स मीन्स छाले पड़ना, बर्न मीन्स जल जाना, जस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड. तो व्हाइल वॉकिंग जब उनकी माधव की माता है और उसकी बहन है और दूसरी कई लेडीज है वो जब पानी भरने जाते थे तो क्या होता था कि जो गर्मी की वजह से जो रेती है वो बहुत जल बहुत गर्म हो जाती थी. तो गर्म रेत में चल चल कर उनके जो पैर हैं वो जलते थे और छाले भी पड़ जाते थे. तो बच्चों ये पिक्चर आप ध्यान से देखो कि ये जो राजस्थान में रेगिस्तान में वहाँ पे पानी की शॉर्टेज की वजह से ये जो माँ बहनें हैं यहाँ पे चल के जा रही है पानी भरने के लिए. तो सोचो बच्चों कि पानी की शॉर्टेज से ये किसी सिचुएशन है. हमारे यहाँ तो अच्छा है कि पानी आ रहा है तो उसको हम वेस्ट करते हैं. तो बच्चों पानी को हम कैसे बचाएंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ पेज नंबर 145. तो यहाँ पे बच्चों वाटर इज सेंट टू दिस प्लेस. यहाँ पे पानी आता है लेकिन कब आता है ये हम आगे लर्न करते हैं. अ ट्रेन कैरीज वाटर टू द विलेज सीइंग दिस विलेजर्स फील वेरी हैप्पी. तो समटाइम गांव में एक खुशी की लहर तब उठती जब ट्रेन से पानी आता था. ओके, तब गांव वाले खुश हो जाते थे. तो समटाइम हर बार ऐसा नहीं होता था. सीइंग दिस विलेजर्स फील वेरी हैप्पी. मधोस फादर टेक्स हिज कैमल कार टू फेच वाटर. तो जब ट्रेन से ऐसा जब पानी आता था तो माधव के पिताजी है वो ऊंट गाड़ी में पानी लाने जाते हैं. और ऐसा मौका है हाउ एवर दिस डज नॉट हैपन ऑफन. ऑफन मीन्स अक्सर ऐसा मौका बार बार नहीं आता था. समटाइम ट्रेन में पानी आता था. तो पीपल कीप ऑन वेटिंग फोर डेज टूगेदर फॉर वाटर. तो जो लोग हैं वो पानी का इंतजार करते थे लेकिन ऐसा मौका तो कुछ टाइम ही आता था. तो सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. तो राजस्थान के लोग हैं वो जो बारिश का पानी है वो वेस्ट नहीं करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं. कैसे स्टोर करते हैं? तो वहाँ पे जो घर है तो घर के आंगन में या पीछे कहीं भी वो गड्ढा करके एक टांका बनाते हैं, फिर उस पर ढक्कन बंद कर देते हैं. और जो रेन जो घर की छत है वो जो रूप है वो स्लैंटिंग होती है. इसकी वजह से क्या होता है, पानी जो है गिर के पाइप के द्वारा जो अंडरग्राउंड जो टांका है उसके अंदर स्टोर करते हैं, फिर ये पानी का यूज़ करते हैं समर की सीजन में. ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं. तो यहाँ पे सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर. दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ये जो रेन वाटर है उसको कलेक्ट करके जो स्टोर करने की मेथड है उसको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चों याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बाय मेकिंग टैंक्स टांका. ओके, डू यू नो व्हाट टांका इज एंड हाउ इज इट बिल्ड. तो ये जो टंकी है या टंका है क्या कैसे होती है और
कैसे बनाते हैं वो देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, आपको समझ में आए। टू बिल्ड अ टैंक, टैंक बनाने के लिए क्या करेंगे राजस्थान के लोग, अ डीप पिट इज डग। डीप पिट मीन्स के जो गड्ढा बनाते हैं एकदम डीप गड्ढा खोद के बनाते हैं। दिस टंका इज मेड पक्का, उसको पक्का करते हैं विद सीमेंट, और उसको सीमेंट से पक्का पक्की टंकी बनाई जाती है। द डैम इज कवर्ड बाई अ लिड, और टंकी जो टंकी बनाई गई है उसको ढक्कन से बंद रखते हैं। हियर द हाउसेस आर मेड विद स्लैंटिंग रूफ्स, तो यहाँ पे जो घर के जो रूप है छत है वो स्लैंटिंग रखते हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी है पाइप के द्वारा नीचे टंकी में कलेक्ट हो सके। ओके, तो द रेन वाटर कलेक्टेड पासिस थ्रू अ पाइप इन अ टंका, और फिर ये जो बारिश का पानी है वो पाइप के द्वारा नीचे जो टंका है उसमें कलेक्ट करते हैं, उसको कंजर्व करते हैं। अ सीव इज अटैच द माउथ ऑफ द पाइप सो डैट नो डर्ट गोज इन टू द टैंक, तो क्या करते हैं बच्चों, सीव, सीव मीन्स जो जाली होती है। ओके, जाली ध्यान से देखो, पाइप की ऊपर वहाँ पे छत की पाइप के मुंह पर एक जाली लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो कचरा है कूड़ा कचरा टंकी में न जा सके। ओके, फिर क्या करते हैं, दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन, और इस पानी को साफ करके क्लीन करके उपयोग में लिया जाता है। तो ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। नाउ उसके आधार पर यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये पानी के आधारित, थिंक एंड टेल, सोचिए और बताइए। तो व्हाट डिफिकल्टीज पीपल फेस ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, तो पानी की कमी से लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती है। तो बच्चों हमने देखा कि वाटर इज प्रीशियस, वाटर इज लाइफ, पानी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी जो हर एक्टिविटी है मॉर्निंग से लेके शाम तक जो भी बहुत सारी एक्टिविटी है वो पानी हमें चाहिए ही चाहिए। तो जब पानी नहीं होता है तो जो एरिया में ड्यूरिंग समर इन विलेज ड्यूरिंग समर मैनी पॉन्ड्स ड्राई अप, पीपल लिविंग इन विलेज हैव टू वॉक अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। बच्चों हमने आगे देखा चैप्टर की शुरुआत में, हमने माधव के जो गांव है वहाँ पे देखा कि लोगों को क्या क्या परेशानियाँ होती है, दूर चल के जाना पड़ता है पानी के लिए, तो पीने की समस्या होती है, और खाना पाना पकाने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए चाहिए, क्लीनिंग हाउस के लिए चाहिए, एग्रीकल्चर खेती के लिए चाहिए, और जो एनिमल है बर्ड्स है उनको भी जो पालते हैं उनको भी पानी चाहिए। तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ता है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु पेचिस वाटर इन माधोस हाउस, माधो के घर में पानी भरकर कौन लाता है। तो बच्चों माधो के घर में हमने आगे देखा कि हिज मदर एंड हिज सिस्टर पेचिस वाटर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, कैन देयर बाय सॉरी कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर, क्या पानी को कलेक्ट करने का कोई तरीका दूसरा है, हो सकता है। यस, वाटर कैन बी कलेक्ट इन कहाँ, हम घर में आपको पता है कि हम पानी कलेक्ट किस किस में करते हैं, तो हमें पता है कि हमारे घर में टैंक होती है, ड्रम होता है, बकेट होता है, इसमें हम कलेक्ट करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड, और दूसरी मेथड बच्चों देखो, हमने राजस्थान में लोग जो बारिश का पानी है कैसे स्टोर करते हैं, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड भी हमने देखा, तो इस तरह हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे देखो बच्चों, वाटर कलेक्टेड इन टंका इज मोस्टली यूज फॉर ड्रिंकिंग, वाई, तो यहाँ पे लिखा है कि जो टंकी का जो पानी है ज़्यादातर पीने के काम ही आता है, क्यों। तो यहाँ पे बच्चों
जो रेन वाटर जो कलेक्ट करते हैं वो मिनरल वाटर होता है, फ्रेश वाटर ही होता है। तो रेन वाटर इज कलेक्ट बाय सम पीपल थ्रू अ स्पेशल मेथड, हमने अभी देखा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। ओके, तो द टंका इज कैप्ट कवर्ड विथ अ लीड, जो टंका है उसको उसका जो उसको बंद कर दिया जाता है ढक्कन से, एंड द वाटर इज देन उसको फिल्टर किया जाता है। हमने देखा कि जाली लगाई जाती है पाइप के मुंह पर, उसको फिल्टर किया जाता है प्रॉपरली एंड यूज फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर इट इज क्लीन, उसको फिल्टर करके पीने के काम आ सकता है। नाउ फोर क्वेश्चन, इन रेन वाटर इज रेन वाटर कलेक्ट इन योर हाउस एज वेल, इफ यस हाउ, क्या आपके घर में भी बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, यदि हाँ तो कैसे। तो बच्चों हमारे यहाँ पे तो पानी की शॉर्टेज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि नो रेन वाटर इज नॉट कलेक्ट इन माई हाउस, लेकिन आप कलेक्ट करते हो, रेन वाटर स्टोर करते हो, तो आप यहाँ पे यस लिख सकते हो, यस रेन वाटर इज कलेक्ट इन माई हाउस, किसमें स्टोर करते हो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग, तो जो माधो के गांव के लोग हैं, माधो के गांव के लोग जो है वो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि जो नियर बाय पॉन्ड है, हमने अभी देखा कि वो उनके घर के पास जो तालाब है वहाँ से लाते थे, फिर उसके जो पापा है तो समटाइम जो ट्रेन आती थी ओके तो वहाँ से भी कैमल काट लेके जाते थे और लाते थे। तो पीपल इन माधोज विलेज फेच वाटर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड, ओके यहाँ पे आंसर आप लिखना है। नाउ पेज नंबर 146 बच्चों यहाँ पे लिखो, आप आगे देखो और लिखना है कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस विदाउट वाटर। ओके, तो ये जो हमने एक्टिविटी जो हम पानी से करते हैं, हमने थर्ड चैप्टर में बच्चों लर्न कर लिया है कि पानी के बगैर हम क्या करते हैं और पानी नहीं होता तो हमें कैसी परेशानी होती है वो हमने आगे सीख लिया है। तो वो चैप्टर भी हमें रिपीट करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक मधो, मधो की तरह सरोज ऑल्सो फेसिस, जो सरोज है उसको, जैसे मधो को पानी की प्रॉब्लम परेशानी कैसी शॉर्टेज की वजह से कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वैसे सरोज को भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो कैसी समस्या है उसको वो यहाँ पे लिखते हैं। तो सरोज ऑल्सो फेसिस वाटर स्कैसिटी इन हर हाउस, तो सरोज के घर में भी पानी की प्रॉब्लम परेशानी है, क्या है, तो सी लिव्स इन रामनगर, वो रामनगर में रहती है, वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन अ डे। तो सरोज के जो जहाँ रहती है वहाँ पे क्या होता है, रामनगर में केवल आधे घंटे के लिए ही पानी आता है, सोचो बच्चों आधा घंटा पानी आता है तो समझो कि आधे घंटे में क्या करे। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ओनली ऑन अ सिंगल डे, आधे घंटे के लिए आता है, और दूसरी क्या प्रॉब्लम, एक ही नल है जिस सबको पानी भरना है। तो सोचो बच्चों कि समटाइम आप लाइन में खड़े रहो तो आपका टर्न आए और पानी चला जाए, ऐसा भी होता है, समटाइम जल्दी भी हो जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस, आप सोचिए कि कितना बुरा हाल होता होगा कि एक ही नल में पानी भरना है और वो भी आधे घंटे में सब फिनिश करना है बच्चों। तो थिंक एंड राइट, यहाँ पे सोचिए और लिखिए व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस विदाउट वाटर, ये बच्चों अपने आप लिखना है कि पानी ना हो तो क्या मुश्किलें होगी। एक दिन सोचो, एक दिन पानी नहीं आता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है, ये बच्चों आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम बेसिक नीड तो हमारा ड्रिंकिंग है, फिर कुकिंग फूड, फिर क्लीनिंग द हाउस, फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारे जो पानी जिसमें पानी यूज होता है वो यहाँ पे लिखना है आपको। जो पानी नहीं मिलता है तो क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। सरोज इज डिटरमाइंड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप, सरोज को नल से पानी भरना होता है ओके। तो व्हेनेवर शी गेट्स अ चांस शी फिल्स हर बकेट इवन इफ इट इज जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब सरोज को मौका मिलता है तो
तो वो बूंद बूंद ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद करके भी बाल्टी भर लेती है। सोचो बच्चों यहाँ पे पानी की कितनी प्रॉब्लम है, और हमारे यहाँ पानी है तो हम पानी को बचाते नहीं है, उसका वेस्ट करते हैं। बच्चों पानी की शॉर्टेज का दो रीजन है, एक तो राजस्थान या कच्छ वहाँ पे क्लाइमेट की वजह से वहाँ पे बारिश कम होती है तो ये प्रॉब्लम, लेकिन हमारे यहाँ पानी है, पानी की सुविधा है, लेकिन पानी को हम वेस्ट करते हैं, हम बचाते नहीं हैं, इसलिए पानी की शॉर्टेज होती है। तो बच्चों जो सरोज को जो परेशानी हुई है, तो यहाँ पे मेजर एंड राइट उसके हिसाब से यहाँ पे ये एक्टिविटी बच्चों आप ये जब चैप्टर शुरू होता है तो आपको ये एक्टिविटी पहले ही कर लेनी है, तो आपको समझ में आए कि बूंद बूंद पानी का कितना महत्व है। यहाँ पे मापे और लिखे हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल, कितनी बार में भरेगा। तो बच्चों चैप्टर ये आप लर्न करो, उससे पहले ही आप ये एक्टिविटी कर लो बच्चों, तो ये आपको समझ में आएगा कि बूंद बूंद का कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो फॉल हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, एक चम्मच कितनी बूंदों से भरेगा। तो बच्चों यहाँ पे ड्रॉपर लेना है और ये स्पून में आप ड्रॉप डालो, कितने बूंदों से ये स्पून भरेगा। दूसरी एक्टिविटी है हाउ मेनी स्पून विल फिल अ बाउल, आपको मानो साइज का बाउल ले लो और एक कटोरी कितने चम्मच पानी से भरेगी, वो आपको अपने आप लिखना है। ये वो गिनो बच्चों और फिर यहाँ पे आंसर लिखो। नाउ थर्ड एक्टिविटी हाउ मेनी बाउल्स विल फिल अ मग, एक मग कितनी कटोरी पानी से भरेगा। तो आप ऐसा बाउल ले लो और ये मग ले लो, फिर आप कितनी कटोरी पानी इसमें आप डालते हो तब ये मग भर जाता है। तो ये बच्चों एक्टिविटी आपको जरूर करनी है, ओके। और लास्ट है हाउ मेनी मग्स विल फिल अ बकेट, आप बकेट ले लो बाल्टी ले लो और मग से अंदर पानी भरो, फिर कितने मग आप डालो तो पानी और ये जो बाल्टी भर जाती है आप गिनो अपने आप, क्योंकि ये आपके घर में वो मग की वो स्पून की वो कटोरी है जो बाउल है ये इसकी साइज पर डिपेंड है, इसलिए ये जो एक्टिविटी अपने आप करनी है और नोटबुक में आप आंसर भी लिखो अपने आप, ओके। तो आपको पता चले कि बूंद बूंद पानी हैव यू सीन हाउ वी गॉट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखा कि बूंद बूंद से मिला कितना पानी। तो बच्चों गुजराती में के वचन टीपे टीपे सरोवर भराए, तो वे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, ओके।